अस्सलाम वालेकुम, काजी जुबैर एक्सक्लूसिव में आप सबको खुशामदीद। माँ तू है तो हिम्मत है, माँ तू है तो रहमत है, माँ तू है तो जन्नत है। आज पूरी दुनिया में माओं का आलमी दिन मनाया गया। माओं का आलमी दिन हर साल मई के दूसरे इतवार को मनाया जाता है। इसे सबसे पहले 1908 में एना जार्विस नामी अमरीकन खातून ने अपनी माँ की याद में सेंट एंड्रयू चर्च वेस्ट वर्जीनिया अमेरिका में मनाया। मदर डे को जंग मुखालिफ तहरीक के हवाले से भी शुरू किया गया और फिर 1914 में बाकायदा इसे एक आलमी और सरकारी तौर पर मनाए जाने का ऐलान किया गया। खैर, ये तो मगरबी माशरे की इख्तिरा है। हमारा मजहब भी अपने वालदैन से हुस्न सलूक का हुक्म देता है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और जाहिर है जन्नत बगैर मेहनत और अताअत के नहीं मिल सकती। इस दिन को मनाने का मकसद माओं के बेलोस प्यार, ईसार और अजमत को तस्लीम करना है। कुरान और बेशतर अहादीस वालदैन की फरमाबरदारी, अताअत और खिदमत से इबारत हैं। कोई छोटा सा तोहफा, कोई फूल और सबसे बढ़कर के अपना वक्त, आज के दिन अपने वालदैन को देखकर हम उनका हक तो अदा नहीं कर सकते, लेकिन शायद माओं को उनकी अहमियत और मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। इसमें कोई मज़ायका नहीं। दूसरे मजाहब और अक़वाम आलम सिर्फ एक इस दिन को मना कर वालदैन के हुकूक से मुबर्रा हो जाते हैं, लेकिन हमारा हर दिन माओं का दिन है। माँ की खिदमत सिर्फ किसी एक दिन की मरहून मिन्नत नहीं, हमारी सारी ज़िंदगी की खिदमत और फरमाबरदारी हमारी माँ की एक रात की मुशक्क़त का नेमत बदल नहीं हो सकती। और हुक्म है कि उन्हें उफ तक ना कहो। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरी माँ जिंदा होती और मैं नमाज पढ़ रहा होता और वो मुझे बुलाती तो मैं अपनी नमाज तोड़कर उनकी खिदमत में हाजिर हो जाता। सुभान अल्लाह। मेरे रब ने माँ को ऐसा रुतबा दिया कि मोहब्बत से उन्हें देखने को इबादत बना दिया। जब हमें बोलना नहीं आता था तो हमारी माँ ने सुने बिना समझ जाना था हमारी ख्वाहिशों को, हमारी तकलीफ़ को। और आज हर बात पे हम कहते हैं कि छोड़ो माँ, आपको नहीं पता, आप नहीं समझोगी। हमें शायद अंदाज़ा नहीं है कि हमारी छोटी सी बात पर हमारी माँ को कितनी तकलीफ़ हुई होगी। मुश्किल राहों में सफ़र हमारी माँओं की दुआओं की वजह से आसान लगता है। माँ सबकी जगह ले सकती है, लेकिन माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। इसी तरह एक माँ 10 बच्चे पाल सकती है, लेकिन 10 बच्चे मिलकर भी एक माँ को नहीं पाल सकते। ये हमारा अलमिया नहीं है तो और क्या है। वो घर जन्नत है जिसमें माँ है। माँ की दुआ वक्त तो क्या नसीब भी बदल देती है कि उस घर में खैर व बरकत है जहाँ माँ है और उसकी फरमा बरदार औलाद है। हमारा हर दिन माओं का दिन है। बारिश तेज हवा ते बदल सब दी अपनी थां होंदी है, धुप भी पावे चंगी लगे छां ते आखिर छां होंदी है। भैन भरा, अब्बा या पुत्र, सारे ही रिश्ते वधिया ने, पूरी दुनिया घूम के डिठा, माँ ते आखिर माँ होंदी है।